दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मछली के अंडे का पकौड़ा। देखिए, ये मछली का अंडा है, इसका आज हम पकौड़ा बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर बेसन लिया है, एक कटोरी में बेसन है। हरी मिर्च बेसन को यहाँ पर ऐड कर देंगे, हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है छोटा चम्मच से। यहाँ पर हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, जीरा पाउडर डालेंगे आधी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से हाथों से मसल कर मिक्स कर लेंगे। फिर हमने मिक्स कर लिया है, अब चलते हैं इसे पकौड़े बनाने के लिए। इसमें सरसों का तेल डालेंगे, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। देखिए, तेल से धुआं निकलने लगा है, तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और हम पकौड़े बनाएंगे इसमें। देखिए, हमारा पकौड़े नीचे की तरफ से सेक चुका है, तो हम इसे पलट देंगे। इस तरफ से भी हम पकौड़े को इस तरह से सेक लेंगे। अंडे के पकौड़ों को हम अच्छी तरह से पलट पलट कर सेक लेंगे। मछली के पकौड़े फ्राई हो गया है, तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमारा मछली के अंडे का पकौड़े बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप भी अपने घर पे बनाइए।